शुक्ला प्रॉम एनटीएसएसपी, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज की वीडियो 9 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के ऊपर वीडियो है, जिसमें साइंस में आपकी ब्रांच है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले मैं आपको आज इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा, तो उसको आप ढंग से समझिएगा और नोट करते चलिएगा। बाकी जो बहुत चीज़ डिटेल में होगी उसकी जो है फोटो कापी आपको व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी, आप उससे भी नोट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ओवरली सब समझाऊंगा, तो आपको समझते चलना है और जो खास खास चीज़ें हैं आपको नोट भी कर लेनी है। बाकी जो लॉन्ग वाली थ्योरी है या डिटेल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पे भेजी जाएंगी। तो समझिए, फिजिक्स में सबसे पहले जो जरूरी चीज़ होती है वो होती है हमारी मूल राशियाँ, जिसे जानना हमें बहुत जरूरी है। और फिर ये होता है मूल मात्रक, मूल राशियाँ और मूल मात्रा। तो पहले आप डिस्कस करते हैं मूल राशियों को, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि पहले आपको ये सब सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपके जो है चैप्टर वाइज जो है वीडियो बनाई जाएगी। तो मूल राशियाँ जो है हमारे फिजिक्स में वो 7 प्रकार की हैं। मूल राशियाँ कितने प्रकार की हैं? 7 प्रकार की। तो ये 7 मूल राशियाँ मैंने यहाँ पर लिखी हैं। पहली मूल राशि क्या है? लंबाई। दूसरी हमारी क्या है? द्रव्यमान। तीसरी समय। चौथी ताप। पांचवी विद्युत धारा। छठी ज्योति तीव्रता। और सातवीं क्या है? पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 मूल राशियां हैं। अब मूल राशियां होती क्या, यानी वे राशियां जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, यानी ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी किसी के ऊपर जो है निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है जिसे हम बोलते हैं। तो ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है, स्वतंत्र है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। तो यानी मूल राशियों की हमारी डेफिनेशन क्या बनती कि वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। और हमारे देश में कितनी मूल राशियां हैं? 7 प्रकार की मूल राशियां हैं। तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आपके लिए जो यहाँ पे जो 3 शुरुआत की राशियां लिखी हुई हैं, ये आपके कोर्स के लिए हेल्पफुल है। आपको इन 3 पे तो बहुत फोकस करना है। बाकी ये जो आप जब हायर क्लास में जाएंगे ताप विद्युत धारा आपको थोड़ा इसके बारे में मिलेगा, लेकिन अभी जो है आपके 9th क्लास में लंबाई द्रव्यमान समय ये घूम करके जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस 3 को बहुत ढंग से समझना है, लंबाई द्रव्यमान समय। अब समझते हैं कि ये जो राशियां हैं, अब इन्हें व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई हमें मात्रक की जरूरत पड़ती है। जैसे भाई लंबाई है, अब ये बोर्ड है, आप इसकी बोर्ड की आपको लंबाई नापनी है, तो आपने मान लो पैमाना रखा, लिख दिया, तो आप क्या लिखते हैं? इसे मान लो क्या लिखा? 2। क्या केवल आप संख्या लिख के बता सकते हैं सामने वाले को? बात क्लियर होगी कि आप ये कह देते हैं कि सर बोर्ड की लंबाई 2 है, तो देखिए बात अधूरी से हमारी लग रही है। आप इसे समझाने के लिए पूरी बात ऐसे बोलेंगे कि बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है, तो आपने क्या बोला? मीटर। ऐसे ही द्रव्यमान इसे किसी चीज का बताना है, आपको किसी चीज का द्रव्यमान बताना है। तो जैसे मान लो आप मंडी गए, बाजार गए, आपको जो है सब्जी खरीदनी है, तो आप क्या कहते हैं? आप जैसे आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल जो है धनिया खरीदनी है, तो आप क्या कहते हैं कि 250 धनिया दे दो? नहीं बोलते ना, आप ऐसे बोलते 250 ग्राम। आगे आपने क्या बोला? ग्राम। क्या आप कहते हैं कि 1 आलू दे दो? नहीं बोलते ना, 1 किलो आलू दे दो, 1/2 किलो। तो आगे आपने जो किलो लगाया, तो ये सब जो हम आगे लगाते हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं? मात्रक। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मात्रक। यानी उन्हें व्यक्त करने के लिए, राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मात्रक की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो सब हमारे कहलाते हैं मात्रक कहलाते हैं। तो जितनी हमारी मूल राशियां हैं उतने ही हमारे मूल मात्रक हैं, 7 हमारी मूल राशियां हैं। इन 7 राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का हम उपयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। मात्रक मैंने फिर बताया कि मात्रक क्या, कि जो भी संख्या का हम निरूपण करेंगे उसके आगे जो लिखते हैं मीटर, किलोग्राम, ग्राम, तो यही चीजें सब हमारी क्या है? मात्रक है। बिना मात्रक के आप संख्या का निरूपण ठीक से नहीं कर पाएंगे, सामने वाले को अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आप इसकी बात कर रहे हैं लंबाई की, समय की, द्रव्यमान की, तो ये बात क्लियर नहीं कर पाएंगे। जब आपने बताया कि आप बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है, समझे आपने लंबाई की बात करी है। ऐसे आपने कहा कि ये कोई भी चीज़ है कि 2 किलो है, 1 किलो है, 2 किलो लगा दिया, इसका मतलब द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, यानी उससे बात हमारी क्लियर होती है। मात्रक के बिना हमारी बात क्लियर नहीं होगी कि हम द्रव्यमान बता रहे हैं, लंबाई बता रहे हैं, समय बता रहे हैं। तो ये हमारी मूल राशियाँ हैं 7 प्रकार की, और इन्हें व्यक्त करने के लिए जो 7 मात्रक हैं उन्हें कहते हैं मूल मात्रक। अब
इन जो राशियों के मात्रक है वो मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ कि इन राशि के क्या मात्रक होते हैं। अब समझ लीजिए, लंबाई का जो मूल मात्रक होता है, मूल राशियाँ यहाँ पे मैं हेडिंग और बढ़ा दे रहा हूँ, मूल मात्रक। अभी आपको शॉर्ट में नोट कर देना है, बाकी मैं फिर बता रहा हूँ इनकी डिटेल में, इनकी थ्योरी, वो सब आपको व्हाट्सएप पे प्रिंट आउट भेज दिए जाएंगे, तो आप उससे अपने नोट्स बना दीजिए। तो मूल मात्रक, मूल राशियां, मूल मात्रक, अभी मैंने बताया था मूल राशियां क्या, ये सात प्रकार की। अब इन राशियों को जिस मात्रक से व्यक्त करेंगे वही हमारे कहलाते हैं मूल मात्रक। तो देखिए, लंबाई, लंबाई का हमारा मात्रक क्या होता है, मीटर। जो हम लंबाइयां नापते हैं वो क्या, मीटर। अब आप कहेंगे कि सेंटीमीटर में नापते हैं, तो वो होती है हमारी, मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, फुट है, इस तरीके से है और भी, तो वो प्रणालियों के हिसाब से नापते हैं। देखिए ऐसा होता है कि हमारे जो प्रेजेंट टाइम वर्तमान में जो SI प्रणाली यूज की जाती है, इसे कहते हैं MKS प्रणाली। अभी मैं आपको प्रणाली के बारे में बताऊंगा, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आज की ये जो वीडियो बेसिक है, तो अभी इसमें सब मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे मैंने मीटर ही क्यों लिखा, यहाँ सेंटीमीटर भी लिख सकता था, फुट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि जो आजकल यूनिट यूज की जाती है, सॉरी यूनिट कह रहे हैं, जो प्रणाली यूज की जाती है उसमें जो भी मात्रक दिए जाते हैं वो MKS प्रणाली में ही दिए जाते हैं। वो प्रणालियों के बारे में इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। यानी लंबाई का जो मूल मात्रक है वो क्या है, मीटर है। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम, तो ग्राम में भी नापते हैं, लेकिन वही बता रहा है कि जो ग्राम है वो छोटा मात्रक हो जाएगा, वो अलग अलग प्रणाली के हिसाब से देखा जाता है। आप हम मैं यहाँ पे जितने मात्रक सब MKS वाले लिख रहा हूँ। तो मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय को नापते हैं समय सेकेंड में, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ताप का मात्रक होता है केल्विन, वही टेम्परेचर जो हम नापते हैं तो उसका मात्रक क्या होता है, केल्विन। यानी ताप का जो हमारा SI मात्रक है, यानी मूल मात्रक है, वो क्या है हमारा, केल्विन है। विद्युत धारा यानी करंट, तो विद्युत धारा का मात्रक हमारा होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। यहाँ विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, ये मूल राशि है जिसका मूल मात्रक। ऐसे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का जो हमारा मात्रक होता है वो होता है कैंडिला, इसका मात्रक क्या होता है, कैंडिला। फिर बताया है कि आपको ये शुरू के तीन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये नाइन्थ में कोर्स में है, तो आपको ज़्यादा घूमने के मिलेगा। बाकी जो है ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ये हायर क्लास में ज़्यादा इसका यूज है। आपको यदि तीन दिन को ढंग से तीनों की मात्रक ध्यान रखने, बहुत आपको याद तो साधो ही करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप याद ना करें, तीन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कि तीन तो बिल्कुल आपके माइंड में रटे ही रहेंगे। ज्योति तीव्रता क्या होगा, कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो ये देखिए, ये सात मैंने राशियां लिखी हैं, मूल राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और उन्हीं के सामने उनके मात्रक भी लिखे हैं। ये क्या, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल। तो मूल राशियों को जिन मात्रकों से व्यक्त करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। यानी आज का आपका टॉपिक था मूल राशियां और मूल मात्रक, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है, बाकी प्रिंट आउट आपको दिया जाएगा उसमें व्हाट्सएप पे। अगला टॉपिक व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए, अभी आपको मैंने मूल राशियां, मूल मात्रक बताए थे, अब व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो आप इसे नाम से ही ध्यान रखिए, यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा, व्युत्पन्न यानी उत्पन्न, उत्पन्न, तो व्युत्पन्न का मतलब यानी उत्पन्न, यानी जो उत्पन्न किए जाए। तो यानी देखिए, यहाँ पे नाम से ही डेफिनेशन बनेगी व्युत्पन्न राशियां की, कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। देखिए क्या नाम है, व्युत्पन्न राशियां, यानी जो उत्पन्न की जाए, तो यानी जो मूल राशियों की सहायता से ही उत्पन्न की जाती है, यानी ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। अब ऐसे देखिए, व्युत्पन्न मात्रक, ये भी देखिए नाम से ही, जो उत्पन्न किए जाए, तो यानी मूल मात्रकों की सहायता से
जो मात्रक प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फिर समझिए, नाम जैसे पहले तो नाम पढ़िए, व्युत्पन्न यानी उत्पन्न, जो उत्पन्न किए जाए। तो जैसे जो आपने पढ़ा था मूल मात्रक क्या होते हैं, वो उत्पन्न नहीं किए जाते, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसे मूल राशियां क्या थी, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो उत्पन्न नहीं की जाती, ठीक है। लेकिन ये जो है व्युत्पन्न राशि जो उत्पन्न की जाती है, जिसकी सहायता से उन मूल राशियों की सहायता से, ऐसे व्युत्पन्न मात्र क्या है, जो मूल मात्रों की सहायता से उत्पन्न की जाती है, बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्र। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे आपको समझाऊंगा, देखिए। जैसे सबको मालूम है कि क्षेत्रफल ये आपको समझ में आया, बना हुआ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपने पढ़ा होगा। इसका फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, शॉर्ट फॉर्मूले के नाम पर लंबाई, जो मतलब चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे पहले बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां। अभी मैंने बताया व्युत्पन्न राशियां क्या है, जो मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त की जाती है। लंबाई, अभी आपने पढ़ा कि लंबाई क्या होता, लंबाई मूल राशि के अंदर आया था। चौड़ाई, तो चौड़ाई भी है तो एक प्रकार की लंबाई ही। अगर हम कहें कि कोई कमरा है जिसकी लंबाई है जिसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई भी जो आप नापोगे वो भी तो इस पैमाने से या कोई भी मतलब फीते वगैरह से नापोगे, तो यानी ये भी है तो चौड़ाई, एक प्रकार की देखा जाए तो लंबाई, तो लंबाई कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, एक प्रकार की सब क्या है, लंबाइयां ही हैं। यानी जो लंबाई आया चौड़ाई आया, ठीक है, ये क्या है, मूल जो चौड़ाई भी है तो चौड़ाई का भी मापन हम क्या, लंबाई की मदद से ही करेंगे। जो ऊंचाई है तो ऊंचाई का भी मापन हम लंबाई की मदद से करेंगे। तो यानी इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, व्युत्पन्न राशियों की ही जरूरत पड़ रही है। तो यानी सॉरी व्युत्पन्न के मूल राशियों की ही जरूरत पड़ रही है। तो इसीलिए जब मूल राशियों की मदद से ही इन्हें उत्पन्न किया जाएगा तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। तो चाहे मैं लंबाई कहूँ, चाहे चौड़ाई कहूँ, चाहे ऊंचाई कहूँ, सबको जो है मुझे जो है नापने के लिए लंबाई की जो पड़ेगी, यानी सब में जो है लंबाई की सबका मात्रक भी एक ही सा निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई, अब इनके मात्रक की बात करते हैं। देखिए लंबाई एक प्रकार की क्या है, दूरी, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, दूरी, ऊंचाई भी कर लेते दो भी क्या है, दूरी। तो देखिए लंबाई का मात्रक आपने पढ़ा था अभी मूल मात्रक में, लंबाई का मात्रक क्या होता, मीटर, लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर। तो इस लंबाई को भी हम इसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, ठीक है, दूरी कह लो या एक प्रकार की चौड़ाई की लंबाई है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है। तो चौड़ाई को भी हम इसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे, समझ लीजिए। लंबाई को इसमें नाप, लंबाई को तो मीटर में नापते ही, ये तो आप पढ़ी चुके मूल राशि में कि मूल राशि में लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को प्रकार की लंबाई है उसका ही मात्रक मीटर। तो जो मात्रक हमारे प्राप्त हो रहे हैं किसकी सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक उन्हें कहते हैं। जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं मात्रक, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो क्षेत्रफल का जो हमारा मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, मीटर इंटू मीटर, यानी क्या बन गया, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जिसे हिंदी में कहते वर्ग मीटर, वर्ग यानी दो घात लगी तो वर्ग मीटर, वर्ग मीटर कह लें या मीटर स्क्वायर, एम लिख दिया, एम का मतलब मीटर। तो देखिए आपके क्षेत्रफल का जो मात्रक निकाला वो किसकी मदद से निकाला गया, पहले तो मूल राशियां ली गई मूल राशियों की मदद से, और फिर उन मूल राशियों के ही मात्रक लिए गए। तो मूल राशियों की मदद से ही ये मात्रक निकल के आया है, तो इसीलिए ये हमारा मूल राशि की जगह क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि कहलाएगी, और इसका जो मात्रक निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। आयतन, अब आयतन का आपको मात्रक निकालना है, तो आयतन बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो देखिए लंबाई भी क्या है, लंबाई तो लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है। देखिए यहाँ पर आयतन का जो फार्मूला निकाला वो क्या, मूल राशियों की ही मदद हमें लेनी पड़ेगी।
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई तो लंबाई है, चौड़ाई भी पड़ेगा लंबाई ऊंचाई भी। अब इनके जो मात्रक लिखेंगे, तो देखिए मात्रक का जो यूज करेंगे वो कौन से, मूल मात्रक का यूज करेंगे, तो उन मूल मात्रकों की मदद से ही आयतन का हमारा मात्रक बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए क्या बनेगा, लंबाई, लंबाई का मात्रक आपको मालूम है क्या होता, मीटर, मूल मात्रक इसका क्या, मीटर। देखिए मूल मात्रक की जरूरत पड़ी। चौड़ाई, अब चौड़ाई क्या है, मैंने बताया चौड़ाई भी हर्जे बढ़ाएगी लंबाई, चौड़ाई भी चाहे इस तरीके से नाप लें, हम इस तरीके से नापे, नाप तो वही तरीका नापने का वही है जैसे लंबाई ना, तो एक बार चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सब है, बड़ा की लंबाई है आपस में, तो चौड़ाई चौड़ाई बड़ा की लंबाई है, इसका भी मात्रक क्या, मीटर। ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, इसका भी मात्रक मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर की घात कितनी, तीन, भाई एक घात यहाँ एक घात यहाँ एक, यहाँ तो टोटल कितनी हो गई, मीटर की घात तीन, यानी जिसे हम कहते हैं घन मीटर, घन मीटर, तीन जब घात लगी होती है उसे पढ़ते घन और ये मीटर, क्या मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक जो हो गया वो क्या होता है, घन मीटर, यानी मीटर की घात तीन। यदि क्षेत्रफल का था वर्ग मीटर, जब घात दो लगी थी तो वर्ग मीटर, जब तीन लगी होती तो उसे क्या कहते हैं, घन। तो आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर।